सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। साथियों, कुछ देर पहला पंजाब दे अमन कानून नू तोड़न दी ते लोकां दी भाईचारक सांझ नू तोड़न दी कोशिश साडे ध्यान च आई, इमीजिएटली एक्शन लिया गया। 18 मार्च नू ते कुछ ओ व्यक्ति जिहड़े देश दे दुश्मनां दे हाथ चढ़ के कुछ गैर समाजिक गतिविधियां दे विच शामिल सी, उन्हां नू फड़ लिया गया। ते अज अमृतपाल सिंह जिहड़े के एक संस्था चलाउंदे सीगे जो कि आम लोगों के धियां पुत्तां नू हत्थां च बंदूकां फड़न दी जां फिर गैर समाजिक जिहड़े काम ने उन्हां नू करन दी प्रेरणा दिंदे सी, उन्हां दी भी गिरफ्तारी होई है। सब तो पहला तां मैं पंजाब दे 3.5 करोड़ दे लगभग लोगों का बहुत धन्यवाद करदा कि उन्होंने ये 30-35 दिन दे विच इस जिहड़ा चल रहा सीगा सारा ऑपरेशन बड़ी आपस दे विच भाईचारक सांझ दिखाई। कितों भी कोई अणसुखामी घटना का जां फिर कोई इस तरह की घटना नहीं हुई जिहदे नाल भाईचारक सांझ टुटदी नज़र आवे जां अमन शांति नूं कोई खतरा पैदा होवे। पंजाबीओ, तुसी जिम्मेवारी दित्ती है आम आदमी पार्टी नूं, आम आदमी पार्टी ने मैनूं जिम्मेवारी दित्ती है पंजाब दे विच बतौर मुख्यमंत्री, तां साडा फर्ज बनदा है कि असीं लोकां दे जान माल की राखी करिए। उहदे लई सानूं भावें जिन्ने मर्जी एक्शन लेने पैण, कठोर कार्रवाइयां करनियां पैण, पर किसी बेकसूर ते नहीं। सो इस करके कानून अपने ढंग नाल चल रहा, कानून अपने हिसाब नाल काम कर गया। मैं चाहुंदा पंजाब दे नौजवानां दे हाथ दे विच डिग्रियां होण, उच्च अहुदियां दे नियुक्ति पत्र होण, इंटरनेशनल मुकाबलियां दे गोल्ड मैडल, सिल्वर मैडल, ब्रॉन्ज मैडल होण, ते जिथे जाण पंजाबी नौजवान मुंडे कुड़ियां उन्हां दी बल्ले बल्ले होवे। मैं नहीं चाहुंदा कि पंजाब दे नौजवान किसी बहकावे च आ जाण जां कोई स्वार्थी लोग जिहड़े देश विरुद्ध कोई मुहिम चला के अपनियां दुकानां चलाउंदे ने, असीं उन्हां दुकानां दे ग्राहक बनीए, उन्हां दे कस्टमर बनीए। सो भाईचारक सांझ बनाउण लई एक वारी फिर बहुत बहुत धन्नवाद है। जो अज वाली कार्रवाई हुई है, मैनूं कल रात इहदी इनफॉर्मेशन आ गई सी ते मैं पूरी रात नहीं सुता। मैं हर 15 मिनटां बाद, हर अद्धे घंटे बाद सीनियर अधिकारियों नाल गलबात फोन ते हर पल पल की जानकारी लैंदा सी। मैं ये भी चाहुंदा सी कि शांतिपूर्वक होवे। बतौर होम मिनिस्टर एंड बतौर मुख्यमंत्री मैं अज तुहाडे नाल ये गल सांझी कर रहा कि 18 मार्च नूं जदों एक्शन होया सी, जे गिरफ़्तार उस दिन करना हुंदा तां शायद उस दिन गोली चल जांदी। असीं नहीं चाहुंदे सी कि कोई खून खराबा होवे। जिस दिन अजनाला थाने दे अग्गे पालकी साहब दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी जिहड़ी ओह लै के गए, जदों मैनू इस बारे DGP पुलिस ने जानकारी दित्ती तां मैं उन्हां नूं सख्त निर्देश दित्ते कि कुछ भी हो जाए
जिस पालकी साहब दे विच गुरु साहब सवार ने उन्हां दी जिहड़ी सवारी है उहदे ते पाणी दा कोई छिट्टा भी नहीं पैणा चाहीदा, उहदे ते कोई पत्थर रोड़ा डला भी नहीं बजना चाहीदा, क्योंकि साडे लई सब तो वध जो मर्यादा है गुरु साहब दी वो साडे लई सब तो अहम है। उस दिन साडे कुछ पुलिस नौजवान जिहड़े ने पुलिस दे जवान उन्हां नूं सट्टां भी वज्जियां, टांके भी लगे सिर दे विच, पर असी गुरु साहब की मर्यादा लई अपना आप वार नूं तैयार हाँ। तो पुलिस मुलाजमान नूं असी शाबाशी भी दित्ती कि तुसीं उस दिन बड़ी मुस्तैदी वरती, संजम दे नाल उस हालात का जिहड़ा टाकरा किया और काबू भी किया। सो पंजाब दे विच अमन शांति भाईचारक सांझ जिहड़ी है मैं पहले तो कहिंदा आ रहा कि यह बहुत ज़्यादा मजबूत है। पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है, बहुत जरखेज़ है, जिहड़ा भी बीज बीजोंगे इत्थे उग जांदा है, पर नफरत दे बीज इत्थे नहीं उगदे ते ना ही असीं उगण देणे ने। आज़ादी लैके आउण दे विच भी साडी 90% कुर्बानियां ने पंजाब दीआं, ते आज़ादी नूं संभालण दे लई ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੱਖੋਂ, ਤਰੱਕੀ ਪੱਖੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ DC ਸਾਰੇ SSP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣਾਓ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।